नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 4 दिसंबर 2023 है और मैं आपको दिल्ली NCR का लाइव मौसम दिखा रहा हूँ। दोस्तों यदि आप देख रहे होंगे तो सूर्य देवता हल्के हल्के से नज़र आ रहे हैं। सूर्य के आसपास छिटपुट बादल हैं, आसमान में भी और जगह भी छिटपुट बादल दिखाई दे रहे हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं। यह गाज़ियाबाद ज़िले का साहिबाबाद एरिया है। यहाँ पर अभी आगे थोड़ी दूर पर ही साहिबाबाद का रैपिड रेल स्टेशन है। छिटपुट बादलों का कहीं कहीं दर्शन हो रहे हैं, लेकिन अभी आज रात में ही काफ़ी बूंदाबांदी भी हुई थी, जिससे मौसम में हल्की सी ठंड है। यही हाल दिल्ली का और उससे दिल्ली से लगे हुए गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, साथ ही मेरठ, सोनीपत का यही हाल है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि दिल्ली NCR में अगले 2-3 दिनों के बाद से ज़बरदस्त ठंड होगी, रात में कोहरा गिर सकता है, टेम्परेचर 9 डिग्री के आसपास आ सकता है और उसके बाद फिर आने वाले एक हफ्ते के बाद से ज़बरदस्त ठंड पड़ेगी। हल्की हल्की सी धुंध अभी भी नज़र आ रही है, यदि आप नज़र आ रहा हो सामने, ये आनंद विहार दिल्ली की तरफ ये रोड जा रहा है फ्लाईओवर से रास्ता, और इधर से आप देखेंगे तो ये गाज़ियाबाद की तरफ से ये रोड जा रहा है। दोस्तों मौसम विभाग ने आगे जानकारी दी है देश के दूसरे प्रदेशों के बारे में, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में एक उत्तरी दक्षिण क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके चलते आने वाले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम बंगाल में काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है। इसके अलावा तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। एक चक्रवाती प्रभाव भी देखा जा रहा है, जिसके चलते उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में जम करके बारिश हो सकती है। साथ ही समुद्री किनारे में तमिलनाडु तक तेज़ हवाओं का दौर आने की संभावना व्यक्त की गई है। अगले 2 दिनों तक बहुत तेज़ बारिश होगी। इसके अलावा केरल और कर्नाटक के समुद्री किनारों में कहीं कहीं पर हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। दोस्तों एक चक्रवाती तूफान और अरब सागर के ऊपर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने बताया हुआ है कि गुजरात और राजस्थान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आने वाले समय में कहीं कहीं पर तेज़ बारिश हो सकती है। हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड में यहाँ पर मौसम थोड़ा सर्द वाला रह सकता है। पंजाब में भी सर्दी का आवास होने लगा है, काफ़ी तेज़ बारिश वहाँ भी हो सकती है। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बर्फ़ पड़ने की भी संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में छिटपुट बारिश हो सकती है। विशेष तौर से गाज़ियाबाद से जो लगे ज़िले हैं, जो कि बनारस तक जाते हैं, उनमें से अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कानपुर, लखनऊ, फतेहपुर, बनारस, जौनपुर, यहाँ पर
छिटपुट बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। साथ ही सर्द हवाओं का भी दौर जारी रहेगा। बिहार और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में छिटपुट बारिश तो हो सकती है, लेकिन मौसम काफ़ी जगह पर साफ रहेगा। दोस्तों, ये दिल्ली में जो इस समय छिटपुट बादलों का दौर चल रहा है, तो मौसम विभाग ने जो संभावना व्यक्त की है कि ये एक दो दिन बाद साफ हो जाएगा और उसके बाद फिर ज़बरदस्त ठंड पड़ेगी, हवाओं का दौर काफ़ी तेज़ चलेगा। तो दोस्तों, आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र का मौसम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारे भी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं वो सभी पूरे भारत का लाइव मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकें। और दोस्तों, वीडियो को भी लाइक कर दें अंत में और शेयर भी कर दें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।